जैसे मैं आपको बताऊं, निखिल शर्मा, हरीश सिंह जी हैं, करण मेरा स्कूल का फ्रेंड है, गीतांश, अरविंद कालरा जी हैं, माया आरजी विक्की मेरा कॉलेज का फ्रेंड है, मोहन सिंह मीणा जी मेरे फ्रेंड के फादर हैं, जो रेगुलरली ही कमेंट्स ऑन माय वीडियोस। तो इश्क राज नहीं आया कभी, हम आशिकी के ना हुए, कोई हमारा ना हुआ तो कभी हम किसी के ना हुए, इस उम्मीद में लिए फिरते हैं चरागों की रोशनी, इस उम्मीद में लिए फिरते हैं चरागों की रोशनी, एक रात अंधेरों को कत्ल करें जो रोशनी के ना हुए। आधा वर्ष करता हूं मैं नौशाद मुंतजर, आज की गजल मेरी कलम से निकली हुई, बात जो बिगड़ी ऐसी कि फिर हम खुद ही के ना हुए, ये रिपेंटेंस पे ले जाके खत्म होती है इश्क के, और इश्क के स्टार्टिंग टू मिड जर्नी पे चलती है। अधूरे इश्क की अधूरी दास्तां को एक्सप्लेन करते हुए और वहीं खत्म हो जाती है। तो गजल का मैं आगाज करूं, उससे पहले एक बात आप लोगों से करना चाहूंगा, मेरे सब्सक्राइबर्स में जो कुछ लोग हैं उनके यूजर नेम जो आते हैं मेरे सामने, उसकी वजह से मैं उनको पहचान नहीं पाता हूं वो कौन है। मेरे लिए ये चीज जरूरी है क्योंकि आई वॉन्ट टू मेक द डायरेक्ट कनेक्टिविटी व्हेन द पर्सन कमेंट्स ऑन माई वीडियो। मुझे अगर ये पता ही नहीं होगा कि वो शख्स कौन है जो मेरे वीडियो पे कमेंट कर रहा है, तो मैं उस थॉट के साथ, उस फील के साथ उसके कमेंट पे रिएक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो मेरी आपसे ये इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है, बहुत मेहरबानी होगी आपकी, कि अगर आपका यूजर नेम मिक्स्ड है, मतलब आपका नाम से नहीं है, तो आप अपना नाम मुझे लिख करके जरूर भेज दें, आपकी मेहरबानी होगी इसमें। और अगर आप मुझे यूट्यूब से जानते हैं तो साथ में यूट्यूब लिख दें, बस इतनी सी बात। और अगर आप और मैं वन ऑन वन मिल चुके हैं तो बहुत चांस है कि आप जब अपना नाम लिख करके भेजेंगे मैं आपको पहचान लूंगा कि हाँ मैं आपको जानता हूं। तो मतलब मैं जब रिप्लाई दूं तो मुझे फील के साथ दूं, मतलब मुझे पता लगे कि मैं किसको रिप्लाई दे रहा हूं। जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि डायरेक्ट मेरे को जो कमेंट करते हैं, आई कैन रिकॉग्नाइज देम। जैसे मैं आपको बताऊं, निखिल शर्मा, हरीश सिंह जी हैं, करण मेरा स्कूल का फ्रेंड है, गीतांश, अरविंद कालरा जी हैं, माया आरजी विक्की मेरा कॉलेज का फ्रेंड है, मोहन सिंह मीणा जी मेरे फ्रेंड के फादर हैं, जो रेगुलरली ही कमेंट्स ऑन माय वीडियोस। तो अब जैसे उनको मैं पहचान जाता हूं तो उस रेस्पेक्ट के साथ मैं उनको कमेंट करता हूं। मैं एम्बिगस कमेंट नहीं करना चाहता कि कमेंट भी कर दिया और उसमें कुछ फीलिंग ही नहीं आई। अच्छा, अब जो कंफ्यूजन वाला पार्ट है मैं बताऊं आपको, उत्कर्ष विज्ञान। अब मुझे अब पता लगा कि ये रमेश भैया हैं, उन्होंने वो कमेंट करते हैं, लगातार कमेंट करते हैं। नरसिम्हा राव बत्तुला मैं नहीं पहचान पाया, आई एम सॉरी सर। विश्वनाथ डांगे मैं शायद यूट्यूब से जानता हूं, बट स्टिल आई एम नॉट श्योर। चाक्षु शर्मा आर्ट्स, ये मुझे लग रहा है कि चंद्रप्रकाश शर्मा जी हैं मेरे साथ, के उन्हीं का अकाउंट है जो मुझे लग रहा है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। और डॉक्टर मन भाटिया, ये शायद मनोहर भैया हैं जो कि डॉक्टर है, तो आई एम नॉट श्योर। तो मैं इस वजह से आप लोगों से कह रहा हूं कि अपना आप नाम जरूर मेंशन कर दें कमेंट में। तो लीजिए गजल का सफर शुरू करते हैं। बात जो बिगड़ी फिर ऐसी कि हम खुद ही के ना हुए, हम जितने पराए इतने कभी आशिकी के ना हुए। तो आप मुलाजा फरमाएं, मैं गजल संभालता हूं। बात जो बिगड़ी फिर ऐसी, बात जो बिगड़ी फिर ऐसी कि हम खुद ही के ना हुए, हम जितने पराए इतने कभी आशिकी के ना हुए। न जाने क्यों ना उम्मीद हो हुए नाशाद इतने, न जाने क्यों ना उम्मीद हो क्यों नाशाद हुए इतने, हम पे इल्जाम है जो हमारे हुए, हम
उसी के ना हुए। हम इस उम्मीद में लिए फिरते हैं चरागों में रोशनी, हम इस उम्मीद में लिए फिरते हैं चरागों में रोशनी, एक रात अंधेरों को कत्ल करें जो रोशनी के ना हुए। इश्क राज नहीं आया कभी हम आशिकी के ना हुए, इश्क राज नहीं आया कभी हम आशिकी के ना हुए, कोई हमारा ना हुआ तो कभी हम किसी के ना हुए। हमारे ख्वाबों को इतना करा है तेरी नींद ने रुसवा, हमारे ख्वाबों को इतना करा है तेरी नींद ने रुसवा, हम उठ चले तेरी बज़्म से फिर तेरी गली के ना हुए, हम उठ चले तेरी बज़्म से फिर तेरी गली के ना हुए। तो लीजिए, ये गज़ल पहुंचती है अपने अंजाम पे और ये शाम अपने मुकाम पे। बचते हैं हमेशा की तरह आप और बचता हूँ मैं, तो आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मैंने आपको बेशक अपनी गज़लों में याद रखी रखा है। नौशाद मुंतज़र।